जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, क्या बात है। ए इधर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, ये इतने सारे आदमी एक साथ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, कौन है रे? हम भोजपुरी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, मोहनलाल यादव नाम है हमारा, बहुत बड़े। अरे सर मुबारक हो, थैंक यू आप आए। जी, शुक्रिया। हम यहाँ पर एक फिल्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यार। फिल्म का कॉन्सेप्ट? जी, आपको पता हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला प्रोड्यूसर बनने का? कहाँ से? चार भिखारियों से। मजाक नहीं कर रहे? क्या बकवास कर रहा, चार भिखारियों से इंस्पिरेशन कैसे मिल सकता? हम यार पटना में घूम रहे थे, चार भिखारी हमारे पास आए, बोले ऊपर वाले के नाम पे दे दे, हमें फिल्म बनानी है। हमने कहा यार तुम भिखारी हो के फिल्म बनाओगे? बोले यार फिल्म बना के भिखारी हो सकते हैं तो भिखारी हो के फिल्म होता है भाई, जीवन है चलता है, ऐसा चलता रहे। लेकिन यहाँ सब जिन्होंने कमाया वही आए। ये कहाँ है अभय जी, कहाँ है? यहाँ पर है क्या अभय जी? हम उनको बताना चाहते हैं, ये जो अवार्ड शो उन्होंने यहाँ पे किया है ना, अगले साल आप देखिएगा क्या क्या। हम मंगल ग्रह पे अवार्ड शो करेंगे, मंगल ग्रह पे। और दोस्तों ये अवार्ड शो के लिए आप सभी को नेपाल आना है। ए, एक मिनट, येड़ा बना रहे हम लोग को, मंगल ग्रह में शो तो नेपाल कैसे आना है? या अभय जी सबको चांद का बोल के सिंगापुर लाए हैं ना, तो हम इतना नहीं कर सकते क्या? वैसे आपको बताएं ये अभय जी कमाल के आदमी हैं। अच्छा, हमको बोले कि भैया यहाँ पर आओ, अपना एयरपोर्ट पे पहुंचो, अपना प्राइवेट जेट से सिंगापुर जाना है। अच्छा, प्राइवेट जेट से। अच्छा, हम भी दौड़ते हुए पहुंच गए यार। अच्छा, पता है कहाँ घुसा रहे थे हमें? कहाँ? कार्गो में। कार्गो में? कार्गो में हम सामान दिखते हैं उनको। हम बोले नहीं भाई हमें कार्गो में बैठ के नहीं जाएंगे, क्या तरीका हुआ? फिर हम बोले यार प्लेन में बैठा, उन्होंने हमको प्लेन में घुसाया। अच्छा, लेकिन प्लेन में यार इतना भीड़, सब एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। गोद में? हाँ। हम बोले ये क्या है? बोले नहीं अपना प्लेन ऐसा ही चलता है भाई, देख लो किसी का गोद देख लो बैठ जाओ। हम बोले कि यार ये अम्रपाली नरुआ के लिए ठीक है, लेकिन हम इस तरह कैसे कहीं बैठ जाएं यार गोद में। वो बोले अच्छा ठीक है तुमको ये सीट देते हैं, यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारी गोद में चिंटू बैठेगा। चिंटू? हमने कहा चलो ठीक है यार, चिंटू छोटा सा आएगा, बैठ जाएगा गोद में, क्या तकलीफ है। फिर चिंटू पांडे भेज दिए यार। अरे वो 6'2" का? अरे वो पांड्या का साइज का चिंटू, और उनको देख के हमारा तो हार्दिक सूझ गया भाई। नहीं नहीं, लेकिन अभय जी ऐसे ही है भैया, अरे इनका स्टाइल बहुत अलग है। रवि भैया मेरे को एक दिन फोन किए, बोलते कृष्णा अगर अगले महीने अगर हम तुम्हें 20 लाख रुपया दे तो कैसा लगेगा? मैंने कहा 20 लाख रुपए तो बहुत अच्छा लगेगा। कहते जरा हमें जरूरत थी, दे दो अगले महीने लौटा देंगे। Bed Ganga IBFA 2019 Rising Star Award Female, और ये चाहता है सपना गिल जी के, जोरदार ताली सपना जी के लिए। और अब बारी बा अगला अवार्ड। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 माउंटेन ड्यू रिस्क उठा नाम बना बेस्ट डेब्यू अवार्ड, और वो जाता है प्रमोद प्रेमी जी के मुन्ना मवाली फिल्म के लिए। मुन्ना मवाली, हाँ क्या बात, आप मवाली का माइकल जैक्सन ज्यादा लग रहे हैं।